खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां मेगा हाईवे के गुलेरिया तिराहे पर फिल्मी स्टाइल में लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, जानकारी के अनुसार श्रीराम इंफ्राटेक का कॉन्ट्रैक्टर ओम प्रकाश जाट अपने गांव जा रहा था कि तभी गुलेरिया तिराहे पर एक कार में सवार होकर आए बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने उसकी गाड़ी रुकवाई और इसी दौरान गाड़ी रोकने पर एक बदमाश ने पीड़ित के सर पर पिस्तौल से वार किया। इसके बाद अन्य तीन बदमाश गाड़ी में रखे 7 लाख रुपए, मोबाइल और ATM कार्ड और जमीन के दस्तावेज लेकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने नाकेबंदी करवाई और आसपास के CCTV कैमरों में फुटेज खंगालने भी शुरू किए। फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपियों की तलाश जारी है। मेरी चाबी चेन की गाड़ी लॉक खोल दिया और कंडक्टर साइड से 3-4 लोग अंदर घुस गए और वो मेरे साथ मारपीट करने लगे, ज़्यादा करने लगे तो मैं गाड़ी नीचे गिर गया। ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति अपने गांव के लिए रवाना हुआ था, जिसका साला सर रोड पे उनका जो है मकान भी है, वहाँ उन्होंने ऑफिस बना रखा है, उनकी कोई ट्रेलर वगैरह चलती है। वहाँ से वो अपने गांव की तरफ जा रहा था। बता रहे हैं कि जो छापर के रहे हैं वहाँ पर एक गाड़ी पीछे से स्विफ्ट गाड़ी आई है, उसमें जो है 3-4 आदमी थे, जिन्होंने उसको रोक करके और गाड़ी छीन करके ले जाना बताया। इसके संबंध में तुरंत जो है नाकाबंदी की सूचना दे दी गई। समस्त देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।